हेलो गाइज एंड वेलकम टू ए टू आर मोटर राइट। तो आज का वीडियो होने वाला है बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट एडिशन 2022 मॉडल का रिव्यू। तो गाइज वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के लुक्स की। लुक्स आपको पल्सर 150, 180 और जो प्रीवियस मॉडल्स आते थे पल्सर के वैसे ही देखने को मिल जाते हैं। पल्सर 125 आपको मस्कुलर लगती है, मतलब 125 सीसी की तो नहीं लगती, बड़ी लगती है बाइक फ्रंट से देखें या फिर रियर से। रियर से तो बहुत स्पोर्टी लगती है, टेल लाइट इसकी स्पोर्टी आती है जैसे कि प्रीवियस मॉडल में आती थी पल्सर 150 या 180 के। और रियर में आपको यहाँ पर स्प्लिट ग्रैब रेल देखने को मिल जाते हैं हाथ पकड़ने के लिए, अच्छे दिखते हैं ये, स्पोर्टी लगते हैं 180 जैसे पल्सर वाले। और इसी के साथ साड़ी गार्ड आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको चेन कवर देखने को मिलता है, ब्लैक कलर में इंजन गार्ड या लेग गार्ड, और आपको फ्रंट में काउल भी देखने को मिल जाता है जो कि 125 सीसी कैटेगरी में सभी बाइक में देखने को नहीं मिलता। टेलीस्कोपिक फोक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फ्रंट की प्रोफाइल आपको पल्सर सिग्नेचर जैसी, मतलब पल्सर के सभी मॉडल जैसे आते हैं वैसी ही देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। तो आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिल जाता है और ये चाबी कुछ ऐसी आती है पल्सर की जो हमेशा से आती है वैसी ही चाबी देखने को मिल जाती है इस बाइक से। इसमें आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि आपको देखने को मिल जा रहा है यहाँ पर स्पीड नहीं बता रही क्योंकि इंजन किल स्विच ऑन नहीं है। जैसे ही मैं इंजन किल स्विच ऑन करूँगा स्पीड भी बताना चालू होता है और फ्यूल पंप भी ऑन हो जाता है। इसमें आपको सभी फीचर्स मिलते हैं जैसे कि यहाँ पर स्पीड बताती है, ये टैकोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज, ओडोमीटर, यहाँ पर आपको दो ट्रिप मीटर देखने को मिलते हैं, ट्रिप वन और ये ट्रिप टू, ओडोमीटर भी मिलता है। और इसी के साथ यहाँ पर आपको लो बैटरी इंडिकेटर यहाँ बताता है, जैसे ही हम ऑन करेंगे साइड स्टैंड इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, और यहाँ पर स्पीड, फ्यूल गेज, और यहाँ पर गियर चेन लाइट है, ये आरपीएम लिमिट लाइट भी होती है, मतलब रेड लाइन जैसे ही टच करती है जलने लग जाती है। न्यूट्रल लाइट यहाँ आती है, इंडिकेटर वाली यहाँ पर आती है, और इसी के साथ यहाँ पे लो बीम, हाई बीम लाइट, और ये है इंजन चेक लाइट। बटन्स की बात करूँ तो आपको राइट साइड में इंजन किल स्विच देखने को मिलता है रेड कलर में, और उसके नीचे सेल्फ स्टार्ट वाला बटन आ जाता है। और लेफ्ट साइड में यहाँ पर पासिंग स्विच आता है, अपर डिपर स्विच यहाँ पर आता है, और ये टर्न सिग्नल्स वाला बटन, और ये हॉर्न वाला बटन, जैसे कि आप सुन सकते हैं हॉर्न, नॉर्मल बाइक से तो अच्छा आता है इसका। रियर व्यू मिरर भी आपको अच्छे मिल जाते हैं, पीछे का पूरा इल्यूजन देखने को मिल जाता है, मतलब रोड पूरी दिखती है इसमें। अब बात कर लेते हैं सीट कंफर्टेबिलिटी की, मतलब आपको सीट स्प्लिट सीट देखने को मिलती है, ये मॉडल ही है, मतलब ये एडिशन है स्प्लिट सीट वेरियंट। यहाँ पर आपको दो सीट देखने को मिलेंगे, स्प्लिट देखने को मिलेंगे, और रियर सीट ऐसी आती है और ये राइडर की सीट, दोनों ही कंफर्टेबल आती हैं। मतलब अपने सेगमेंट में स्प्लिट सीट लेने जाएंगे तो ये दोनों से कंफर्टेबल आपको स्प्लिट सीट कौन से भी मॉडल में देखने को नहीं मिलती 125 सीसी कैटेगरी में। अब बात करते हैं फ्रंट की। फ्रंट में आपको पल्सर का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, सिग्नेचर डिज़ाइन, यहाँ पर बजाज की बैजिंग देखने को मिल जाती है, हेडलाइट हैलोजन वाली, पायलट लैंप हैलोजन वाले, इंडिकेटर्स, टेलीस्कोपिक फोक आते हैं फ्रंट में, और इसमें आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाता है, मतलब इसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आता है, 240 mm वाला डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है इस बाइक में। और रियर की बात करूँ तो रियर में टेल लाइट देखने को मिलती है LED वाली, हैलोजन वाले इंडिकेटर्स जो कि फ्लेक्सिबल आते हैं, और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लाइट देखने को मिल जाती है रिफ्लेक्टर्स के नीचे, और प्रॉपर मडगार्ड देखने को मिल जाता है रियर में, और मफलर भी आपको देखने को मिलता है अंदर, मतलब मानसून के समय राइड करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कीचड़ ज़्यादा आपके ऊपर उड़ेगा नहीं। और रियर में आपको 130 mm वाला ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है इसमें, इसमें आपको सिंगल डिस्क का ही ऑप्शन आता है, डुअल डिस्क नहीं आता। और साइलेंसर का लुक कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। दोनों ही ब्लैक कलर में आते हैं, इसका जो गार्ड आता है वो भी ब्लैक कलर में है, और साइलेंसर भी आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है। और रियर में आपको 5-time एडजस्टेबल ट्विन नाइट्रॉक्स शॉक अब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर ब्लैक कलर में आते हैं, नाइट्रॉक्स वाले आते हैं, और इसमें आपको चेन कवर देखने को मिल जाता है जो कि आयरन का आता है, फाइबर या प्लास्टिक का नहीं है इसमें। टायर्स की बात करूँ तो फ्रंट में आपको 80-100-17 इंच का अलॉय व्हील फ्रंट वाला, और रियर टायर आपको 100-90-17 इंच का रियर व्हील देखने को मिलता है, और 100 mm की इसकी वाइडनेस आती है जो कि बहुत वाइड आता है। फ्रंट में लेग गार्ड कुछ ऐसा आता है, और यहाँ पर आपको कॉल भी देखने को मिल जाता है जो कि सभी बाइक में नहीं आता 125 सीसी कैटेगरी के। ये स्पोर्टियर टच देता है और इंजन को प्रोटेक्शन भी देता है। यहाँ पर आपको कैटलेटिक कन्वर्टर भी देखने को मिल जाता है साइलेंसर के लिए, और यहाँ पर हॉर्न आता है मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, और इस बाइक में आपको रिजर्व और ऑन की स्विच भी देखने को मिल जाती है जो कि सभी बाइक में देखने को नहीं मिलती है आज के मौसम में या फिर आज के BS6 के ज़माने में। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसमें आपको इंजन मिलता है 124.4 सीसी का, एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक, ट्विन स्पार्किंग, 2-वेल्व, BS6 कंप्लायंट, फ्यूल इंजेक्टेड, जिसकी मैक्सिमम पावर आपको देखने को मिल जाती है 11.8 BHP की, और इसका मैक्सिमम टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है 10.8 न्यूटन मीटर का। और इसमें आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलते हैं, मतलब 5 गियर आ जाते हैं इसमें, और यहाँ पर लीवर्स दोनों ही तरफ देखने को मिलते हैं जो कि सभी बाइक में देना चाहिए, इजी टू राइड होता है इसकी वजह से। और इस बाइक का माइलेज आपको
55 टू 60 kmpl देखने को मिल जाता है, उससे ज़्यादा भी मिलता है अगर आप जो कंपनी कहती है वैसे राइड करते हैं, कंपनी के वैसे राइड कर सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा माइलेज देखने को मिल जाता है इस बाइक से। और इसका माइलेज गिर भी सकता है अगर आप रफली राइड करते हैं इस बाइक को तो। और इसकी टॉप स्पीड 110 प्लस देखने को मिल जाती है, 110 किलोमीटर पर आर की देखने को मिल जाती है। अगर आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो इसकी टॉप स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। करते हैं टैंक की बात, तो टैंक आपको 11.5 लीटर्स का देखने को मिलता है, 11.5 लीटर का टैंक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको लिड देखने को मिलती है, टैंक की चाबी लगाना पड़ता है। और इस पर आपको कॉइल भी देखने को मिल जाता है, स्पोर्टी टच, जो कि 150-160 सीसी कैटेगरी के बाइक्स में आते हैं। और 11.5 लीटर का टैंक मतलब आप समझ सकते हैं कि टूरिंग आराम से कर सकते हैं इस बाइक पर। आपको राइडिंग भी मतलब जो राइडिंग कंफर्ट है वो भी अच्छा देखने को मिल जाता है क्लिप ऑन हैंडल बार के साथ। और लुक बहुत अच्छा आता है इस बाइक का। नीचे आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर देखने को मिल जाता है। इंजन कट ऑफ सेंसर हर एक बाइक में आना चालू हो चुका है, लेकिन हर एक कंपनी नहीं देती, सभी को देना चाहिए, जैसे कि बजाज, होंडा और हीरो दे रहा है। और इसमें आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, सफिशिएंट है इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से। और बाइक की सीट हाइट है 790 mm। अगर आपके हाइट 5 feet 2 inches है, उससे कम है, तो एक बार टेस्ट राइड करके देख लें, आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं, तो आप खरीद सकते हैं इस बाइक को। बाइक का ओवरऑल वेट 142 किलोग्राम है, मतलब 142 किलोग्राम इसका वेट आता है। 125 सीसी कैटेगरी में थोड़ी बहुत हैवी है, लेकिन चलाने पर आपको नहीं लगेगा कि बाइक का वेट उतना ज़्यादा है, क्योंकि बहुत इजी टू राइड है बाइक। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस की, तो आपको राजयोग बजाज उदगीर में इस बाइक की ऑनरोड प्राइस 1,13,000 रुपये देखने को मिल जाती है। अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो, तो आप राजयोग बजाज उदगीर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल मिल जाएगा। तो गाइस अब आ जाते हैं इस बाइक के कंक्लूजन पर, मतलब लेनी चाहिए या नहीं। तो क्लियरली बता दूँ, थम्स अप है, ले सकते हैं, क्योंकि 125 सीसी कैटेगरी में इससे अच्छा लुक आपको बाइक में देखने को नहीं मिलेगा। मिलता है, लेकिन वो NS125 और KTM Duke 125 या RC125 में मिलता है। NS इससे महंगी आती है, और इसके अलावा जो KTM सीरीज़ है वो तो आसमान पे, उसकी प्राइस, पावर भी नहीं है और माइलेज भी नहीं है, तो KTM का तो लेना सेंस बनता ही नहीं है। और इसमें आपको फीचर सब कुछ मिल जाते हैं, पल्सर 150 या 180, इसका तो 180 जैसा लुक देखने को मिल जाता है। 180 में मतलब स्प्लिट ग्रैब रेल देखने को मिलते थे ना, वैसा लुक देखने को मिल जाता है इस बाइक का। और इसमें आपको स्प्लिट सीट भी मिलती है, और नॉर्मल वेरिएंट भी आता है, उसका भी वीडियो आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब उसके लिए भी करना पड़ेगा आपको। और इसी के साथ इसमें आपको LED टेल लाइट तो सेम मिलती है, सब कुछ फीचर्स आते हैं नए फीचर्स के तौर पर। आपको सेफ्टी फीचर इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर देखने को मिल जाता है, और इसमें वाइडर टायर आते हैं, सब कुछ परफेक्ट आता है। मेरे तरफ से थम्स अप, आप ले सकते हैं। और 1,13,000 रुपये में आपको इससे अच्छी बाइक अगर मिलती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन पर क्लिक करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।